सुबह उठ करके यदि आप मुंह में पानी भर करके छींटा मारते हैं, आप छोटे बच्चों से आदत डलवाइए, जवान हैं तो करिए, आप बुजुर्ग हैं तो करिए, सुबह आप मुंह में पानी भर करके ज़्यादा देर नहीं, मात्र 2 मिनट में भी यदि आप छींटे देते हैं तो कम से कम आप 20-25 बार आराम से छींटे दे पाएंगे। आँख मुंह में पानी भरिए, आँख को खोलिए और नल में पानी खोल करके आप भर भर करके आँखों में छींटे मारिए, बहुत दूर से भी नहीं, थोड़ा नज़दीक से, जिससे कि थोड़ा अंदर आँखों के अंदर पानी चला जाए। ये आप करिए, आप देखिए इतने मात्र से भी चश्मे तक भी उतर जाते हैं जिनको चश्मे की परेशानी है। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों बच्चों में आज यह प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, जहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे ऐनक पहन करके घूमते हैं। तो उसको बचने के लिए आँखों में पानी के छींटे दे दीजिए, ये ज़रूरी है। बच्चों को ही आप वो कराना, प्राणायाम कराना शुरू कर दीजिए, और त्रिफला घृत आयुर्वेद में अद्भुत है, थोड़ा आदत डलवा दीजिए, थोड़ा सा मेडिकेटेड है कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म दूध में डाल करके बच्चों को देना शुरू करिए, उससे पेट भी साफ रहेगा, नेत्र ज्योति भी ठीक रहेगी। तो ये बहुत अद्भुत है। या किसी को आँख की ज़्यादा परेशानी है तो आप आंवले का जो सूखा हुआ आंवला है या त्रिफला चूर्ण है उसको थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए, एक कांच के बर्तन में रखिए, कांच के बर्तन में उसको भिगो करके सुबह उसको नितार करके ऊपर का हटा दें, जो यदि कुछ उसमें तैर रहा हो उसको हटा करके नीचे को बिना हिलाए बीस के पानी को आप निकाल लीजिए, उसको आईवास कप जो है आपको मिल जाएगा, बाजार में मेडिकल स्टोरों में मिल जाता है, उसको लेकर के धीरे धीरे आँख में लगाइए, आँख खोलिए, आँख में लगाइए, इस तरह से आई आँखों को धोएं त्रिफले के पानी से या आंवले के पानी से। यदि इतने उपाय करेंगे तो आपकी आँखें भी ठीक रहेंगी, यदि समस्या है तो आँखें भी ठीक हो जाएंगी। यह प्रातःकाल, उसके बाद में फिर आप नियम बनाइए कि आपको प्राणायाम योगासन व्यायाम जरूर करना है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप जिम में जाते हैं, सब करिए, परंतु मैं निवेदन करूंगा प्राणायाम जरूर करिए, कम से कम 40 मिनट, आधा घंटा, ये तो 20 मिनट, यदि आप स्वस्थ हैं तो भी कम से कम प्राणायाम करिए, कुछ योगासन करिए, क्योंकि आसन से और कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो जरूर करिए, क्योंकि उसमें 12 एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइजेस में आप आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, ये छोटी सी चीज़ है पर इसको आप जीवन का अंग बनाइए। यदि इतना आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह की आपकी की हुई इतनी दिनचर्या वो आपके दिन भर को स्वस्थ रखेगा और इसी तरह से पूरे जीवन को स्वस्थ रखेगा।